देश में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव कुल 7 चरणों में होने वाले हैं। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में भी राज्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहला चरण 11 अप्रैल को, दूसरा चरण 18 अप्रैल को, तीसरा चरण 23 अप्रैल को, चौथा चरण 29 अप्रैल को, पांचवा चरण 6 मई को, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को होगा। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में करीब 7,06,00,000 मतदाता वोटर हैं। इस 3,73,07,904 मेल जबकि 3,33,93,468 फीमेल वोटर्स हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपके औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वहां नॉमिनेशन से लेकर कब होंगे चुनाव, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में 11 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। 10 अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव में 5 सीट, 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीट, पांचवे चरण यानी 6 मई को भी 5 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण 12 मई को और 8 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि सातवें चरण में 19 मई को 8 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। अब आपको बता दें कि बिहार में आपके औरंगाबाद लोकसभा सीट की चुनावी तारीखों के बारे में। औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में यानी 11 अप्रैल दिन गुरुवार को चुनाव होंगे। इसके लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 मार्च है। इसके बाद नामांकनों की जांच 26 मार्च को होगी जबकि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की तारीख 28 मार्च तय की गई है। इसके बाद यहां 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं इन वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी। मालूम हो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,37,723 वोटर्स हैं। 2014 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के सुनील कुमार सिंह ने कांग्रेस के निखिल कुमार को हराया था।